Audio Jungle. Audio Jungle. Hello friends, welcome to Nice Power. So, I am Nice Power. And today we are going to make a new video with you. Okay? And the video's topic is called Sonar, which is sound effects related. ठीक है। और लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर जो रेड बटन है प्लीज उसको क्लिक कीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारी वीडियो को इस वाली वीडियो को देखने वाला आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। और अगर किसी और वीडियो पर और किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी है तो उसके लिए प्लीज कमेंट कीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए भी जरूर कमेंट कीजिए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है सोनार, उसको लेकर हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सोनार क्या है। तो सोनार की जो फुल फॉर्म है वो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, यहाँ पे जो एसओ है, एसओ ये है साउंड, एन ए फॉर नेविगेशन एंड आर इज फॉर रेंजिंग। ठीक है, तो ये चीज क्या है सोनार, है ना। तो सोनार दरअसल एक डिवाइस है। सोनार इज अ डिवाइस जो ज्यादातर जो बोर्ड्स होती हैं या फिर शिप जो होती है उनके अंदर फिट की जाती है। अब ये फिट क्यों की जाती है, ये फिट इसलिए की जाती है कि हमें जो अंडर वाटर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डिस्टेंस का, उनकी स्पीड और उनकी जो टाइमिंग, उनकी जो डिस्टेंस और स्पीड है और जो उनकी डायरेक्शन है, इन तीन चीजों को फाइंड करने के लिए सोनार जो डिवाइस है उसका यूज होता है। अब सोनार जो डिवाइस है ये वर्क कैसे करती है, तो दरअसल इस डिवाइस के अंदर होता ये है, एक बोर्ड होती है, बोर्ड के नीचे दो चीजें फिट की जाती है, तो डिटेक्टर होता है और एक ट्रांसमीटर होता है। जो ट्रांसमीटर होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी होती है, जिनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है ना, जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, उनको जो है वो ट्रांसमिट करती है। ठीक है, नीचे की तरफ जब ये नीचे की तरफ ट्रांसमिट होती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो वो इसे रिफ्लेक्ट करता है। तो ये ऑब्जेक्ट जो ट्रांसमिट हो रही थी वेव्स नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट करके, सपोज यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये इसे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके वापस जाएगा। ठीक, और जो डिटेक्टर यहां लगा हुआ है, ये जो डिटेक्टर है ये इस अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब इसे हमें मिल गया जाएगा, अभी उसके बाद डेटा को अप्रोक्सीमेटली इंटरप्रेट करके उसके हमें डायरेक्शन, स्पीड और क्या कहते हैं डिस्टेंस के बारे में बता देगा। अब ये वर्क, अब उसके बाद जब ये रिसीव कर लिया तो एक मेथड है उसको हम बोलते हैं एकोरेंजिंग। उस मेथड पे जो है हमको डिस्टेंस मिलता है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, है ना। चलिए, आमतौर पर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन अगर हम यहां ध्यान से देखें हमको क्या पता करना है कि इस बोर्ड के बीच में, या मान लीजिए पॉइंट ए है और इस ऑब्जेक्ट के बीच में ये पॉइंट बी है, इतना डिस्टेंस पता करना है। लेकिन अगर आप देखें तो इनके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा कि जब ट्रांसमीटर ने जो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं ये ट्रांसमिट की, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई और फिर वापस गई, तो इन्होंने अल्ट्रासोनिक वेव ने दो बार डिस्टेंस ट्रेवल करा, सेम डिस्टेंस, एक डिस्टेंस ये वाला जब ये नीचे आई फिर स्ट्राइक करने के बाद वापस गई तो एक और, यानी कि ये डी। इसलिए इसका फॉर्मूला ऐसे आता है 2d, क्योंकि इसने ये जो डिस्टेंस है मेन डिस्टेंस ये दो बार ट्रेवल किया, इसलिए यहाँ 2d लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब स्पीड हम लोग पता कर लेते हैं कि अंडर वाटर साउंड की स्पीड कितनी है, उसके हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे स्पीड लिख देते हैं। और टाइम इंटरवल बिटवीन द when the transmitter sent the ultrasonic waves and when the receiver received it, ठीक, इस हिसाब से हम time interval निकाल लेते हैं बीच का कि कब आपके क्या कहते हैं transmitter ने ultrasonic waves भेजी और कब detector ने उसे receive किया, ये हो गया उसका time interval। Simply हम इस formula से और इस method को जहाँ हम टूट लिया थे इसको बोलते हैं हम लोग echo ranging। ठीक है, ये method है echo ranging। इस मेथड में क्या होता है, हम लोग 2d लिखते हैं, 2d इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये रहा आपका सोनार, और ये जितने भी अगर मान लीजिए जो जितने भी संकन शिप्स हैं, जो शिप्स डूब जाते हैं, या मान लीजिए अंडर वाटर वैलीज हैं, या आइसबर्ग्स हैं, या फिर कह लीजिए सबमरीन्स हैं,
उनको पता लगाने के लिए, उनका पता लगाने के लिए हम सोनार डिवाइस का यूज करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है वर्किंग का वो है अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। और उसमें होता क्या है, बोट के अंदर दो दो चीजें फिट की जाती है, तो होता है डिटेक्टर, एक ट्रांसमीटर, इन दोनों मिला के इनको इनको बोलते हैं सोनार। ट्रांसमीटर का काम है अल्ट्रासोनिक वेव्स को सेंड करना, जब उस ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, इससे रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगा, डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और अप्रोक्सीमेटली डेटा इंटरप्रेट करेगा। वो कैसे करता है ये मैंने आपको बताया, ये एक्यूरेंजिंग मेथड वो यूज करता है, जहाँ फॉर्मूला जो होता है उसका होता है 2D इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जहाँ स्पीड होती है साउंड की, अंडर वाटर जो स्पीड होती है उसकी, वो स्पीड लिख देते हैं, और टाइम होता है टाइम इंटरवल के कब डिटेक्टर ने जो अल्ट्रासाउंड वेव भेजी और आपके सॉरी ट्रांसमीटर ने भेजी डिटेक्टर ने रिसीव की, उसके बीच में टाइम इंटरवल है वो यहाँ पर लिखते हैं, उससे हमारा जो है डिस्टेंस आ जाता है कि इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। अगर अभी भी आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और इस वीडियो को अगर देखना आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कीप वॉचिंग।